नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिए, मुश्किल से ये 10 मिनट का वीडियो होगा और आपके 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब बहुत ही डैम सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द NDA एग्जामिनेशन। अभी बहुत कम समय रह गया है इसलिए मैं आपके फायदे के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, ये बाइनरी और डेसिमल सिस्टम बैंकिंग के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, CDS में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी भी कई बार SSC वगैरह में भी पूछे जाते हैं इससे सवाल, ठीक है। तो बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम, देखिए बाइनरी सिस्टम जो है बेसिकली, बाइनरी मतलब दो, बाइन मतलब क्या होता है दो, तो ये सिर्फ कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर का कोड है 0 और 1, यही दो भाषा है बस, इसकी दो कोड है इसके 0 और 1, इसी से ये पूरा हमारा जो डेसिमल सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सो ऑन, ठीक है। तो इन्हीं दो लेटर्स को, इन्हीं दो अंकों का यूज़ करके, इन्हीं दो कोड का यूज़ करके हम लोग, मतलब कंप्यूटर रीड करता है और जितने भी हमारे अंक होते हैं उसको ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कन्वर्जन बता दूंगा इसको, ठीक है, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ओके। तो लेट मी स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लिया हमारी कोई संख्या है 25, ठीक है, कोई संख्या है 25, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। तो 25 लिख देंगे, 25 को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको 2 से हर बार डिवाइड करेंगे, 2 से हर बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना बार लगाएंगे इसको, 12 2 24, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर लिख देंगे साइड में, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और 12 टाइम्स लगाया हमने तो 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब फिर से 12 को हम 2 से लगाएंगे तो 6 टाइम लगेगा, 6 टाइम, लेकिन इसमें कोई रिमाइंडर इस बार नहीं आया, इसका मतलब रिमाइंडर इज 0 दिस टाइम, ओके। तो 0 फिर से साइड में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 6 को फिर से हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 टाइम्स लगेगा ये, इस बार भी कोई रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। अब 3 बच गया तो 3 को फिर से हम 2 से लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 1 बार लगेगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम 25 को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे, देखिए 25 को हम बाइनरी सिस्टम में ऐसे लिखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे नीचे से, सबसे नीचे जो हमने जो लेटेस्ट, मतलब जो सबसे नीचे वाले डिजिट जो होती है वहाँ से काउंट करेंगे, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, ये हो गया हमारा इसका बाइनरी डिजिट में कन्वर्शन। डेसिमल सिस्टम को हमने बाइनरी में लिख दिया 1 1 0 0 1, ठीक है। अब मैं उल्टा इसको समझा देता हूँ कि इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, थीके? मतलब वापस हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि ये 25 बने, तो ठीक है। तो हमारा डेसिमल बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम में एक 1 1 0 0 1, देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जो हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से ऐसे स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे डिजिट क्या है, 1, तो 1 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 0, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, 1 into 1, ये 2 to the power 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 into 1 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट क्या है फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0, तो 0 into 2 to the power 1 = 0, अगेन 0 है। नेक्स्ट थर्ड डिजिट फ्रॉम लास्ट, 0 into 2 to the power 2 = 0, ठीक है। अब क्या है, देखिए आप 0 सबसे पहला डिजिट में 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद वो बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, ठीक है। अब जो फोर्थ लास्ट डिजिट है वो है हमारा 1, तो 1 into 2 to the power इस बार क्या आएगा, 3, 2 to the power 2 था लास्ट टाइम तो 3 आ जाएगा, तो 2 to the 4 2 जा 8, ठीक है, 1 into 8 = 8, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट डिजिट है, फिफ्थ डिजिट, ठीक है, वो क्या है, 1, ठीक है। तो उसमें आप मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 to 4
फोर टाइम्स मतलब फोर टू द पावर फोर से, ठीक है, तो 16 हो गया ये। अब देख लीजिए हम इसको ऐड कर देते हैं, जितने भी ये हुए उनको सबको ऐड कर देते हैं, तो ये 16 हो गया। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 0 प्लस 0 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक और हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्यों है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं फटाफट इसको बता देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेके आपको इस चीज़ को एक बार और से, इस बार आप खुद से लगाइए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रोकिए, यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से लगाना शुरू कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ठीक है, अभी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और एकदम हर बार ही दो से तीन क्वेश्चंस या तीन से चार भी कभी कई बार हो जाते हैं, एनडीए के पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है, सीडीएस पे भी कभी एक आध बार पूछ लिया जाता है, बैंकिंग वगैरह में भी आता है, एसएससी में भी आता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, इस बार मैं लेता हूँ 62 एक डिजिट है जिसको ये डेसिमल में है, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 62 को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप से कर लेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या आया, 31 टाइम्स लगेगा ये, ठीक है। और इस बार वो क्या बचा, रिमाइंडर कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो हम 0 लिख देंगे। फिर से 2 से करेंगे 31 को, तो कितना टाइम लगेगा ये, 15 टाइम लगेगा, ठीक है, 15 टू जा 30, ठीक है। तो इस बार क्या बचेगा हमारा, इस बार हमारा बच रहा है एक इज अ व्हाट, हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। 31 को अगर हम 2 से डिवाइड किया तो 15 टाइम्स लगा और एक हमारा बच गया रिमाइंडर, ठीक है। अब फिर से हम 2 से करेंगे 15 को, ठीक है, तो क्या बचेगा, 7 टाइम्स जाएगा ये, 7 टू जा 14, मतलब एक रिमाइंडर हो गया, एक रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 से हम फिर से 7 को करेंगे तो 2 3 जा 6, अब कितना रिमाइंडर बच गया, 1, ठीक है। अब फिर से हम एक बार और 3 को लगाएंगे 2 से, ठीक है, तो कितना बार लगेगा, 1 टाइम, और एक हमारा शेष भी रह गया, मतलब एक रिमाइंडर भी रह गया, ठीक है। तो अब हम 62 को कैसे लिखेंगे डेसिमल बाइनरी सिस्टम में, देखिए काउंट फ्रॉम डाउन, 1 1 1 1 1, मतलब 5 टाइम्स 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स एंड लास्ट वन इज 0। ये मत सोचिएगा कि लास्ट में 0 आ गया तो इसको नहीं लिखे, लिखना ज़रूरी है, बिकॉज गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 62 का। अब देखिए हम इसको वापस कन्वर्ट करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0, ओके, तो 0 को हम क्या करेंगे, 0 × 2 to the power 0 इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब 0 से किसी संख्या को, हालांकि 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1, बट इफ यू मल्टीप्लाई द 2 to the power 0 मीन्स 1, 2 0 मीन्स द वैल्यू इज 0 इटसेल्फ। अब देखिए सेकंड डिजिट फ्रॉम लास्ट मतलब राइट हैंड साइड इज 1, तो 1 को हम 2 to the power 1 से करते हैं तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 to the power 1 से करते हैं तो 2 हो गया, ठीक है। अब थर्ड डिजिट को आते हैं, 1 × 2 to the power 2 इक्वल्स टू व्हाट, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर आप, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट हो गई, ठीक है, 1 × 2 to the power 3 दिस टाइम, तो 2 to the 4 to the 8, ओके। नेक्स्ट इज 1 × 2 to the power 4 दिस टाइम, 16, ओके, एंड दिस टाइम 1 × 2 to the power 5, ओके, मीन्स 32, वेरी ग्रेट, ओके। अब देखिए इसका टोटल करते हैं ऐड करके, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 4 to 6 6 8 14 14 6 20 20 plus 2 is 22, दो हाथ में रह गया, दो रिमाइंडर रह गया, दो कैरी हो गया, ठीक है। तो अब 3 1 4 और 2 6, 62 हो गया कि नहीं हो गया, हेंस इट्स इट इज़ प्रूफ, ठीक है। तो अगर ये इस वीडियो को आपने पसंद किया
तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं किया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और मैं बता रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% बता रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चंस एनडीए रिटर्न एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर में इससे आने वाले हैं, ठीक है। और ये आप इतना बस कर लेंगे तो काफ़ी है, 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप श्योर करेंगे उसको 100%, कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल बहुत ही आसान चीज़ है ये, लेकिन कहीं सिलेबस में नहीं है ये, पहली क्लास से लेकर 10वीं 12वीं तक भी कहीं सिलेबस में नहीं है ये, थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ये, ठीक है। तो ये रह गया, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जैसे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, ट्विटर कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को महामना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो हम आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते रहे वो आप तक बिना पहुंच के, मतलब बिना चाहे ही पहुंच जाए बिल्कुल, ठीक है। बेल आइकन पे आपका नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो को देखकर आप लाभान्वित होते रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, वन एंड ऑल।